सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल एग्जाम लाइन और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम लाइन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग जो टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि बोट स्ट्रीम, जिस टॉपिक का नाम है बोट स्ट्रीम, इसी टॉपिक पर एक या दो क्वेश्चन जरूर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। इसी टॉपिक पे हम लोग दो बेसिक पर बात करेंगे। ये दो बेसिक ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये दो बेसिक आप लोग समझेंगे तो ये पूरी की पूरी बोट एंड स्ट्रीम के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आप सारी की सारी कर सकते हैं। चलिए हम लोग देखेंगे, पहले बेसिक पार्ट देखेंगे बोट एंड स्ट्रीम के अंदर में जितने भी बेसिक पार्ट होते हैं सारी की सारी इसी वीडियो में क्लियर करेंगे। अगला पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, इसका जो ट्रिक एंड सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, चलिए देखेंगे, शुरू करेंगे हमारा जो कि बोट एंड स्ट्रीम। शुरू करने से पहले मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और पास में बेल आइकन को जरूर दबाइए। ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम ये दो बेसिक हम लोग सिर्फ करेंगे, दो बेसिक। ये दो बेसिक को आप लोग ध्यान से देखिए। एक बेसिक हमारे पास है डाउन स्ट्रीम, और एक है ऑफ स्ट्रीम, एक है डाउन स्ट्रीम, एक है ऑफ स्ट्रीम। ये दोनों का फर्क क्या है, वो दोनों का डिफरेंस क्या है, आप लोग पहले समझिए। हम लोग जो रेलगाड़ी संबंधित क्वेश्चन, जो कि रेलगाड़ी संबंधित टॉपिक हम पिछले वीडियो में बात किए हैं, वहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे, जो कि स्पीड को सेम डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, घटाए थे एंड अपोजिट के लिए जोड़ेंगे। उसका सिर्फ अपोजिट होगा बोट एंड स्ट्रीम का स्पीड, जिसको हम लोग बोलते हैं डाउन स्ट्रीम लेंगे सेम डायरेक्शन, जिसको हम लोग बोलेंगे ऑफ स्ट्रीम अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, बात क्लियर है। सेम डायरेक्शन क्या है, देखिए एक नाव है, एक धारा है, एक नाव है, वहाँ पे भी एक धारा है। ठीक है, ये धारा जिस तरफ से बहती है नाव उसी तरफ जाएगी, उसको बोलेंगे हम लोग डाउन स्ट्रीम। वहाँ पे हमारा जो कि स्पीड क्या है, देखिए हमारा जो कि ये होगा बोट, बोट का स्पीड मानिए ए होगा, एंड जो स्ट्रीम का स्पीड होगा ये बी होगा। ठीक है, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग स्पीड को हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ जोड़ेंगे। हमारा डाउन स्ट्रीम का हम लोग मान लीजिए यू, एंड ऑफ स्ट्रीम को मन नाम दे दीजिए भी। ठीक है, हमारे पास जो कि डाउन स्ट्रीम, हमारे पास डाउन स्ट्रीम यू होगा सिर्फ ए प्लस बी। ए का मतलब है स्पीड ऑफ बोट, बी का मतलब है स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे पास ए, इसका स्पीड बी, ऑफ स्ट्रीम हो गया हमारा भी। लिख लीजिए ऑफ स्ट्रीम भी इज इक्वल टू ए माइनस बी। ठीक है, जो कि डाउन स्ट्रीम के लिए हम लोग स्पीड को हम लोग क्या करेंगे, मिलाएंगे, जोड़ेंगे। ऑफ स्ट्रीम के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्पीड को घटाएंगे। ये बात आप क्लियर है, ये होगा हमारा कॉन्सेप्ट वन। ठीक है, ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट वन। कॉन्सेप्ट टू में देखेंगे, कॉन्सेप्ट टू में देखेंगे, यदि हमारे पास ये हो गया क्या, डाउन स्ट्रीम नाव धारा, ये हो गया हमारा डाउन स्ट्रीम यू, एंड ये हो गया हमारा अपोजिट में ऑफ स्ट्रीम भी। ठीक है, ये हो गया हमारा यू, ये हो गया हमारा भी। क्वेश्चन ऐसे आएगा जो कि ना तो वहाँ पे बोट बोट का स्पीड दे रखा है, ना तो स्ट्रीम का स्पीड दे रखा है। क्वेश्चन ऐसी टाइप का पूछा जाएगी, वहाँ पे सिर्फ डाउन स्ट्रीम का वैल्यू दे रखा है 36 किलोमीटर पर आवर, वहाँ पे ऑफ स्ट्रीम का वैल्यू दे रखा है 24 किलोमीटर पर आवर। वहाँ पे डाउन स्ट्रीम का वैल्यू दे रखा है 36 किलोमीटर पर आवर, ऑफ स्ट्रीम का वैल्यू दे रखा है 24 किलोमीटर पर आवर। ना तो दे रखा है बोट का स्पीड, ना तो दे रखा है स्ट्रीम का स्पीड। हम लोग उसी पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे निकालेंगे, बोट कितना की स्पीड है एंड स्ट्रीम का कितना की स्पीड है। ठीक है, ए होगा हमारा बोट, बी होगा स्ट्रीम, वहाँ पे ए होगा बोट, बी होगा स्ट्रीम। हमारे पास ए कितना है, ए इज इक्वल टू यू प्लस भी बटे टू,
जो कि हमारे पास बोट का स्पीड निकल कर आएगा, बी हमारा मतलब है स्ट्रीम का स्पीड यू माइनस वी बटे टू। ये हो गया हमारा स्ट्रीम का स्पीड, ये हो गया हमारा बोट का स्पीड। ऐसे हम लोग निकालेंगे ये दो कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट वन था, ये कॉन्सेप्ट टू था। इसका अलावा इसी टॉपिक में कुछ आप लोग देखने को नहीं मिलेगी, जो कि ये है दो बेसिक पर आधारित। उसका अलावा और एक टिप है, आप सभी को पता होगा एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे। एवरेज स्पीड का जो फार्मूला आप लोग जानते होंगे, टू एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई। ये था हमारा जो कि दो कॉन्सेप्ट बोट एंड स्ट्रीम की अंदर में जो एग्जाम में बनते हैं, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगी। ये था हमारा पार्ट वन जो कि बेसिक पार्ट। पार्ट टू में हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन, जितने भी सॉल्यूशन हमारे पास है उसी को हम लोग कैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करेंगे, सारी की सारी देखेंगे पार्ट टू में। और बीच बीच में जो भी शॉर्ट ट्रिक लगेगा मैं कह दूंगा, ठीक है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर एक लाइक करना और आप दोस्त के साथ शेयर करना। और इसका पार्ट टू देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में बेल आइकन को जरूर दबाइए। सो फ्रेंड्स, आज ही इतना, फिर मिलेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। जय हिंद।